हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ 5paisa डीमेट अकाउंट का। 5paisa डीमेट अकाउंट का अगर आप यूज करके शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5paisa एप्लीकेशन का यूज किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में न्यू हैं, आप एक बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5paisa में फंड ऐड कैसे करते हैं, 5paisa के द्वारा फर्स्ट शेयर कैसे खरीदते हैं, 5paisa की और भी काफ़ी सारे फीचर्स जिनकी आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी या फिर अभी ज़रूरत पड़ेगी जब आप कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए जाएंगे, 5paisa का इंटरफेस कैसा है। दोस्तों, हम 5paisa के बारे में सारी जानकारी जानेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके कुछ डाउट रहेंगे क्योंकि 5paisa में काफ़ी सारी जानकारी है, तो इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कि मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आप इसमें काम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है या फिर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 5paisa डीमैट अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे। जब हम लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसने हमें रिडायरेक्ट किया है जहाँ पर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि माई स्टॉक के अंदर इसमें जो करेंट अभी मेरा इन्वेस्टमेंट है तो 502 रुपये का है। आज मुझे कितना लॉस हुआ है तो वो या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। टोटल इन शेयर में अभी मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो यहाँ पर मुझे लॉस ही हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पोर्टफोलियो का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे स्टॉक हैं। अब दोस्तों, मैं आपको सबसे बेसिक समझाना स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल ऊपर से। तो देखो, सबसे ऊपर इसमें आ रहा है इंडिकेटर, फिर निफ्टी और सेंसेक्स। हम मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडिकेटर लगाना है तो आप यहाँ पर ऊपर इससे ऊपर से नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो ये टिकर आ गए हैं, आप इनको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो आप इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इधर उधर इसको सेट करना चाहते हैं, तो इधर आप चार जो बिंदु है वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि ऊपर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखे तो ऐसे आप क्लिक करके इनको ऊपर ले जा सकते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पर ये कर दिए ऊपर दोनों। इसके बाद मैं राइट बटन पर क्लिक कर दूँगा तो ये यहाँ पर अब मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर दिखने लगे। अभी मार्केट ऑफ है, मैं इस वीडियो को नाइट में बना रहा हूँ, अदरवाइज आपको लाइव डाटा दिखता है कि मार्केट में अभी प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है। अब इसके बाद नीचे आपको होम बटन वाला ऑप्शन दिखता है तो अभी हम होम बटन पर चलेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार मिल रहा है तो आप जहाँ पर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस शेयर को आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें सर्च किया तो दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का आ गया है। अब इसको मैं वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, बास्केट में भी ऐड कर सकता हूँ। अगर आप इसके फ्यूचर्स देखना चाहते हैं या फिर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इनके देख सकते हैं। अगर आप करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। खैर, इसको हम यहाँ पे बैक करते हैं। अब दोस्तों, हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है वो किसी स्टॉक को ख़रीदना चाहता है तो किस तरीके से ख़रीदेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि उसको इंटरफेस दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि बैंक अकाउंट से फंड ऐड करना है डीमैट अकाउंट में। मतलब कि अगर आप किसी भी शेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें पैसा लगेगा, तो आप यूजर पर क्लिक करेंगे तो ये तो मैंने किसी का अकाउंट ले लिया है ऐसे ही सिर्फ यूज करने के लिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें फ़ंड ऐड का भी ऑप्शन आ रहा है, फ़ंड विड्रॉल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो फंड ऐड पर क्लिक करके आप इसमें जितनी भी क्वांटिटी में शेयर ख़रीदना चाहते हैं उतना आप यहाँ से इसमें फ़ंड ऐड कर लेंगे। फ़ंड ऐड करने के काफ़ी सारे आपको मेथड मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप जब आप इसमें फ़ंड ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको लाइव मार्केट में आना, तो आप लाइव पर क्लिक करेंगे और आप किसी भी स्टॉक को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको SBI के स्टॉक चाहिए तो मैंने यहाँ पर SBI सर्च किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं इस स्टॉक को ख़रीदना चाहता हूँ तो ये पूछ रहा है कि आप कौन से एक्सचेंज के अंदर इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं, NSE या फिर BSE। तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, फिलहाल मैं इसको NSE में ही ख़रीदना चाहता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आप इस स्टॉक का कुछ एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका चार्ट देख सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहें, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहें तो अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं, एक दिन का दिखा रहा है, एक मंथ का,
और ये 3 मंथ का 1 ईयर का दिखा रहा है। आप इसको ऐसे करके यहाँ से जूम भी कर सकते हैं और आप इसका मैक्सिमम भी देख सकते हैं जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से लेके अब तक का। और अगर आप 1 मिनट का देखना चाहते हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर है। और अगर आप इसको कैंडल में नहीं देखना चाहते किसी दूसरे फॉर्म में देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पर इस तरीके से आपको शो होता है। फिलहाल मैं इसको कैंडल स्टिक ही कर लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर सरल है और इसी को ज़्यादातर नहीं सब लोग मार्केट में इसी को यूज करते हैं हमेशा बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये हमें ओवरव्यू दिखा रहा है कि आज ये स्टॉक कितने पर ओपन हुआ था, कितने पर क्लोज हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह, मतलब कि जो चीज़ें हमें चाहिए रहती हैं वो यहाँ पर सारी अवेलेबल हैं। मार्केट डेप्थ का ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन चेन का मिलता है। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तो फंडामेंटल एनालिसिस भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस में देख सकते हैं जो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लग रही हैं या फिर जो चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखते हैं वो चीज़ें यहाँ पर सारी अवेलेबल है। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस और इस स्टॉक की न्यूज़ क्या है वो न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो अब मैं इसको यहाँ पर ऑर्डर पैनल को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ऑर्डर पैनल आया कैसे था। SBI का मैंने सर्च किया था तो ये इसके बाद है, ठीक है। जब हम इसमें ख़रीदने के लिए जाएंगे तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर पैनल बड़ी स्क्रीन में ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे ऊपर इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है NSE और BSE का देखने के लिए। फिर इसमें ऑर्डर टाइप, आप रेगुलर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं या फिर VTT ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो मैं इसमें रेगुलर ही कर लेता हूँ। अगर स्टॉप लॉस लगा के करना चाहें तो दोस्तों वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूँ इसलिए मैं अभी इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप स्टॉक को आज ख़रीदते हैं तो वो आप आज ही बेचना पड़ेगा। डिलीवरी में आप स्टॉक को आज ख़रीदते हैं आप उसको आज ही बेच सकते हैं, कल बेचना चाहें, 1 महीने बाद बेचना चाहें, 10 साल बेचना चाहें, तब तक के लिए आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। क्वांटिटी आप मतलब कि कितने शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, अदरवाइज ऐसे करके यहाँ से प्लस माइनस करके घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्राइस का ऑप्शन आता है। तो शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप चाहते हैं कि इसका अगर 586 होता है तो उस टाइम पर ये शेयर ऑटोमेटिक बाई हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसमें इस लिमिट लगा देंगे, इसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अभी ख़रीदना है, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 1-2 रुपये क्या देखना, तो आप मार्केट प्राइस पर सिलेक्ट कर देंगे तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है तो वो यहाँ पर आप प्राइस पर ख़रीद लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये नीचे वैलिडिटी है तो 2 डे है, ठीक है, तो आप इसी को रहने देंगे। और दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको ये बाई वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो बाई हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये सेल होगा। फिलहाल मैं इसको बाई करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं कन्फर्म बाई पर क्लिक करूँगा। तो ये यहाँ पर एक बार हमसे कन्फर्मेशन मांग रहा है कि आप देख लीजिए एक बार डाटा सही है क्या, आपने इतने शेयर खरीदे हैं SBI के ख़रीदे हैं तो आप प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे तो ऑर्डर सक्सेसफुली लग गया है। अब दोस्तों जब आप ये शेयर खरीद जाएंगे या फिर आप इनको ख़रीद लोगे, ये बाई हो जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर दिखने लगेंगे। लेकिन दोस्तों अभी क्या था कि मार्केट, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अभी क्या है, क्लोज्ड है। तो दोस्तों अभी ये जो ऑर्डर है तो वो पेंडिंग में है क्योंकि अभी नाइट है, अदरवाइज ये बता देता कि भैया आपके वॉलेट में अभी बैलेंस नहीं है, आप शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को नहीं ख़रीद सकते। तो जब कल मार्केट ओपन होगा उस टाइम पर ये बता देगा कि फंड नहीं था इसीलिए आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को फर्स्ट टाइम ख़रीद सकते हैं। और अगर आप बेचना चाहें तो सिंपल आप यहां पर क्लिक करके, और सेल का ऑप्शन आ जाएगा जब आप इसको बाई कर लेंगे तो फिर आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है नोटिफिकेशन का। तो जब भी हम कोई अलर्ट वगैरह लगाते हैं तो वो नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल हमने कोई भी अलर्ट नहीं लगाया है, ना ही हमें कोई नोटिफिकेशन मिला है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है माई स्टॉक का, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा स्टॉक्स के अंदर वो आपको यहाँ पर दिखेगा, प्रॉफिट लॉस भी आपको दिखेगा। सामने पोर्टफोलियो का आपको ऑप्शन मिलता है, ये अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। इसके बाद निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्टेड हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी कि किस में लॉस चल रहा है, किस में प्रॉफिट चल रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वॉच लिस्ट का, वॉच लिस्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो वॉच लिस्ट के अंदर आप किसी भी शेयर को
रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर SBI का स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको ये सक्सेसफुली अभी ऐड हो गया है वॉच लिस्ट में। मैं इसको देख लेता हूँ एक बार रिप्रेस करके। अब इसके बाद मान लीजिए मैं और भी स्टॉक को ऐड करना चाहता हूँ वॉच लिस्ट के अंदर, जिनको मैं ट्रैक करता रहूँगा, बार बार मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं वॉच लिस्ट में से ही उनको देख लिया करूँगा। PNB को मैं ले लेता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, ये आ गया है, मैंने इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप जितने भी स्टॉक चाहें वॉच लिस्ट में ऐड कर सकती हैं और उन पर नज़र रख सकती हैं। अपने फेवरेट स्टॉक आप वॉच लिस्ट में रख सकती हैं। अगर आप एक वॉच लिस्ट बना लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरी वॉच लिस्ट भी बना सकती हैं। इन वॉच लिस्ट का नाम आप मैनुअली भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि आप इंट्राडे की अलग बना सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी आप अलग बना सकते हैं। इसी तरीके से जो IT सेक्टर के हैं उनको आप अलग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के हैं उनको आप अलग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर काम होता है वॉच लिस्ट का। तो अगर आप वॉच लिस्ट बना लेते हैं, इसके बाद आपको स्क्रीनर का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीनर के द्वारा आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई पैटर्न है, आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक को ढूंढना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हैमर पैटर्न अभी कौन से स्टॉक में बना है, ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैं हैमर पर लेके चलता हूँ, तो इतने स्टॉक हैं जिनमें आज हैमर बना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी मार्केट यहाँ पर ऑफ है, अदरवाइज दोस्तों ये आपको लाइव मार्केट में दिखा देता है कि कहाँ पर इसमें हैमर बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वो चीज़ है, खैर इसको मैं यहाँ पर अभी हटा देता हूँ। तो इस तरीके से स्क्रीनर का आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीनर पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं बना भी सकता हूं, ठीक है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये नीचे बुक्स वाला आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ऑर्डर्स में पोजिशन जो आपकी लाइव मार्केट में होगी वो आपको दिखेगी, BTT और स्टॉक SIP और बास्केट और होल्डिंग्स, दोस्तों ये यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आइडियाज, तो जब आप आइडियाज पर क्लिक करेंगे तो इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी, ठीक है, इनमें अभी अपॉर्चुनिटी है तो वो आपको यहाँ पर मिलती है। फॉर एग्जांपल IPO अभी कौन सा ओपन है तो वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ऑल IPO देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक ही ओपन है। आप अपकमिंग देखना चाहते हैं कि IPO कौन से आने वाले हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। पास्ट बिड्स, अगर हमने पहले किसी भी IPO में इन्वेस्टमेंट किया है तो दोस्तों वो यहाँ पर नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर दिख जाता, ठीक है, अगर हमने किसी भी IPO में इन्वेस्ट किया है तो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मार्केट, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मार्केट का ओवरव्यू देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप इंडेक्सेस को देख सकती हैं। तो अभी ये निफ्टी 50 है और BSE सेंसेक्स है, ठीक है, इसके बाद ये निफ्टी बैंक है, और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इधर व्यू ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी इंडेक्सेस हैं तो वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। NSE में रजिस्टर्ड इंडेक्सेस आपको मिलते हैं, अगर आप BSE वाले चाहते हैं तो आप यहाँ पर BSE वाले इंडेक्सेस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एड रेशियो या फिर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस और इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो उनका भी बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन प्रॉफिट में चल रहा है, कौन लॉस में चल रहा है। और दोस्तों अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हाई वॉलेटिलिटी वाले शेयर आप ढूंढना चाहते हैं तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर मिलते हैं मार्केट मूवर्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गेनर्स मतलब कि कौन से हैं और लूजर्स कौन से हैं, तो मार्केट डाउन जा रहा है कौन से शेयर की वजह से जा रहा है, मार्केट अगर अप जा रहा है तो कौन से शेयर की वजह से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं गेनर्स, तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, और लॉस में अगर मार्केट जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों आप इनकी वजह से देख सकते हैं 52 वीक हाई 52 वीक लो। और स्टॉक्स मूवर वाई वॉल्यूम मतलब कि इनमें क्वांटिटी ज़्यादा है, और मूवर्स वाई वैल्यू, ठीक है, तो दोस्तों वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपर सर्किट और लोअर सर्किट अगर होता है किसी स्टॉक में तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों ये थोड़ी सी एडवांस जानकारी, हम इसको बैक करते हैं, हम अब क्लिक करते हैं यूजर पर। तो दोस्तों बिगिनर के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपके सिर के ऊपर से निकल रही होंगी, ठीक है, इस चीज़ को मुझे, मैं जानता हूँ। तो यूजर वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर आपको आपका नाम देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद क्लाइंट आईडी देखने के लिए मिलेगी, और नीचे आपको वॉलेट में जो भी पैसा होगा नेगेटिव होगा तो वो दिखेगा, अगर इसमें पॉजिटिव आपने कुछ पैसा पहले से ऐड किया हुआ है तो वो दिखेगा।
ये मैंने एक साल पहले डीमेट अकाउंट ओपन किया था, मैंने इस वाले डीमेट अकाउंट को यूज नहीं किया है। तो अगर मैं इसमें फ़ंड ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड फंड पर क्लिक करके यहाँ से मैं जो भी फ़ंड ऐड करना चाहता हूँ उस फंड को मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो अकाउंट इसमें बैंक अकाउंट अभी लगा है उसी बैंक अकाउंट पर हमारा UPI या फिर नेट बैंकिंग चलनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर फंड ऐड कर सकेंगे। अगर दोस्तों आप दूसरे बैंक अकाउंट से फंड ऐड करेंगे वो भले ही आपका है तो उससे आप फंड ऐड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप फंड निकालना चाहते हैं वापस अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो विड्रॉल पर क्लिक करके आप यहाँ से फंड को विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आप प्रोफाइल में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर एडिट करना चाहते हैं तो आप मैनेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, एडिट का बटन आ रहा है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, आप कुछ भी एडिट करना चाहें तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप बैंक डिटेल एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से बैंक डिटेल भी एडिट कर सकते हैं। तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी एडिट करनी चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों इस स्टेप को हम बैक करके चलते हैं, नीचे हम इसमें देखते हैं कि अगर आप इसमें ड्रिविटिव सेगमेंट एक्टिवेट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो दोस्तों वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको लिंक यहाँ पर दे रहा है जो आपको प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट करता है, और यहाँ से आप ऐड सेगमेंट पर क्लिक करके इसमें कोई भी सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नीचे आपको ऑप्शन दिखता है सुपर सेवर पैक्स का, तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डीमेट अकाउंट का ऑफर है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें एक ऑफर देखने के लिए मिलता है कि अगर हम वन टाइम कुछ पेमेंट इस ब्रोकर को कर देते हैं तो हमें ये वाली फैसिलिटी दे देगा। आप देख सकते हैं 1199 रुपये पर मंथ का पैक है और दूसरा 599 पर मंथ का पैक है। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज हमसे कुछ कम लिए जाते हैं, इसके अलावा हमें और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। तो हम इसको यहाँ से बैक कर सकते हैं। फाइनेंशियली प्रोडक्ट, तो दोस्तों जिन प्रोडक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें ड्रिविटिव्स का ऑप्शन मिलता है, तो आप ट्रेडिंग करने के प्रोस्पेक्टिव से इनको यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हर चीज़ आपको अलग से सर्च करनी पड़ेगी। हर टॉपिक पर 4 से 5 या फिर 6-7 मिनट तक का वीडियो है, तो अगर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊं तो ये वीडियो 4 से 5 घंटा लंबा भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा रहा हूं ताकि आपको कभी डाउट ना हो कि ये चीज़ मुझे कहां पर मिलती है। इसके बाद रिसर्च वाला इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको सबसे ऊपर स्मार्ट इन्वेस्टर वाला ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, इस हिसाब से आप रिसर्च कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर का यूज कैसे करना है ये यहाँ पर वीडियो भी दिया गया है। इसके बाद स्क्रीनर है, ट्रेडर सबमिट है, और ये सेंसिबल फोर ऑप्शन है, और न्यूज दोस्तों आपको यहाँ पर स्टॉक्स या फिर स्टॉक्स मार्केट की देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको यहाँ से बैक करेंगे, फिर इसके बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलता है टूल्स एंड कैलकुलेटर का, तो इसमें आपको ये 3 प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं बैक करता हूँ माई रिपोर्ट को, अंदर जाके आप दोस्तों यहाँ पर अपना मंथली या फिर वीकली रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि इस महीने मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया है तो वो यहाँ पर दिखेगा, या फिर मैंने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो वो अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखना चाहें तो ऊपर ही इसमें हमें पोर्टफोलियो का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो दोस्तों ये हमारा इन्वेस्टमेंट अभी दिखा रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है रेफर एंड अर्न का, तो दोस्तों रेफर एंड अर्न या फिर उससे रिलेटेड जानकारी आपको इस ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी रेफर एंड अर्न का ऑफर क्या चल रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेफर करने पर इसमें 200 रुपये मिल रहा है। अगर आप रेफर का लिंक निकालना चाहते हैं तो सीधा आप व्हाट्सएप पर क्लिक करके किसी को लिंक भेज सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों फाइनेंस स्कूल आता है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप यहां से सीख सकते हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले यहां पर शेयर मार्केट फॉर बेसिक दिया गया है, म्यूचुअल फंड में सिखाया गया है, करेंसी भी आपको सिखाया गया है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिखाया गया है, टेक्निकल एनालिसिस सिखाया गया है, इक्विटी ड्रेविटिव्स आपको सिखाया गया है, ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको बताई गई है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बताया गया है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाते हैं,
जिनके बारे में आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये फाइनेंस स्कूल दोस्तों आपको 5 पैसा में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड किया जाएगा। इसके बाद इसमें सेटिंग वाला ऑप्शन आता है। तो दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि सेटअप डिवाइस लॉक। तो दोस्तों ये यहाँ पर मेरे मोबाइल का लॉक है, तो अगर मैं उसको इनेबल करना चाहूँ तो इनेबल कर सकता हूँ, ये मैंने स्किप किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से है। अब दोस्तों मैं फिर से चलता हूँ इधर, और फिर से यहाँ पर मैं चलता हूँ सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर मुझे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों एक लैंग्वेज वाला ऑप्शन भी है। अगर आप इसको हिंदी में करना चाहें ऐप को, तो आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं बैक करता हूँ। अगर आप थीम है, अभी वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो नाइट पर क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, और ये डे में दोस्तों आपको इस तरीके से दिखाएगा। तो दोस्तों ये था 5 पैसा डीमैट अकाउंट का कंप्लीट रिव्यू। अगर अभी आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और भी अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।